आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोग धीरे धीरे एमएस एक्सेस पढ़ लिए, आउटलुक पढ़ लिए, अभी बारी है क्लाउड कंप्यूटिंग की। किसकी? क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? सबसे पहले बात यही करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप कह सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिफर टू एज ए लाइक ए नेटवर्क आर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक एक्सेस किया जा सकता है नेटवर्क के द्वारा, और उसमें है क्या बेसिकली, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि मान लीजिए, कभी कभी आपने देखा होगा किसी कंपनी में हम ज्यादा, जैसे कि आपने एग्जाम्पल तौर पर मैं कहूंगा कि आपने गूगल ड्राइव देखा होगा। गूगल ड्राइव आपको जो ईमेल आईडी बनाते हैं तो हर गूगल ड्राइव सब में गूगल ड्राइव होती है, वो आपको स्टोरेज देती है 15 GB का, 15 GB का स्टोरेज देती है। आप डाटा अपने गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रखते हो ना, क्या वो डाटा आपके सिस्टम में रहता है क्या? ऐसा होता है क्या? सिस्टम फॉर्मेट करते हैं तो आपके गूगल ड्राइव के डाटा डिलीट हो जाता है, ऐसा होता है क्या? अरे हाँ ना बोलो कुछ, ठीक है जी, तो हाँ ना कुछ बोल, क्यों लग सदमे में चले गए? सब लोग बोलने के लिए बात किया होना, लग रहा है सदमे में चले गए आप। सुन लीजिए फिर ध्यान से, जैसे कि हम गूगल ड्राइव में डाटा रखते हैं, 15 GB का स्टोरेज देता है वो हमें, अगर तो हम सिस्टम में लॉग इन किए तो हमारा गूगल ड्राइव दिखता है ना, लॉग इन लॉग आउट करते ही मेरा आईडी, तो अगर हम सिस्टम के फॉर्मेट कर दें तो हमारा डाटा भी डिलीट हो जाता है क्या? नहीं, वो तो हमारे गूगल ड्राइव में है। मतलब सिस्टम पे आप डाटा यहाँ भी देख सकते हो, किसी भी सिस्टम पे लॉगिन करके देख सकते हो, लेकिन डाटा का स्टोरेज कहाँ हुआ है? कहीं और हुआ है। और वहां देखिएगा अक्सर ये भी कहता है कि अगर आपकी डाटा स्टोरेज 15 GB का है, उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं स्टोरेज को। इससे फायदा क्या होता है? कहीं ना कहीं कंपनियां ज्यादातर इसका यूज करती हैं। इससे फायदा क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं एक्सपेंस को बचाने की कोशिश करते हैं, कि जैसे वहाँ हमारे वहाँ अगर 10 चीजें हैं, 10 कंप्यूटर हैं, हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, हमारा डाटा बहुत ज्यादा स्टोरेज लेता है, और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वो क्या है सिस्टम वगैरह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम काम कराते हैं और डाटा कहीं और स्टोरेज का काम करते हैं, डाटा हमारा कहीं और डाटा स्टोरेज देता है, और वहाँ सिक्योरिटी का भी हम लोग एक्सपेंस, पैसे जो भी पैसे खर्च करते हैं करते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा सिस्टम नॉर्मल काम किया, फ्री ऑफ माइंड रहेगा, कोई डाटा यहाँ नहीं है, सारी डाटा आप एक जगह एक्सेस करके स्टोर कर रहे हैं, और बाद में आप एक्सेस करके उसको डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो भी करना है प्रोसेस जहाँ भी करना है उसको रन करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? जैसे गूगल ड्राइव की ही बात करें तो सिर्फ इसी सिस्टम पे नहीं, जिस सिस्टम पे जाकर अपने ईमेल आईडी आप ओपन करेंगे, वहां से गूगल ड्राइव ओपन करेंगे, वहां वहां डाटा उसी ये दिखेंगे, लेकिन वो डाटा ना आपके सिस्टम में है ना कहीं, वो कहाँ है? गूगल ड्राइव में, और वहीं रहेंगे। जब तक वहां से उस चीज को डिलीट नहीं किया जाएगा तब तक वो चीजें डिलीट नहीं होगी। अच्छा, लोगों का कहना ये होता है कि सर इस चीज प्राइवेसी जो है, जो कहीं ना कहीं हम डाटा रख रहे हो, क्या वो प्राइवेसी है कि नहीं है? तो देखो, प्राइवेसी है भी और नहीं भी है। इसलिए क्योंकि कोई और नहीं देख सकता, और नहीं है इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जिसने बनाया है उसने कुछ ने तो कुछ ना कुछ उसने ऑप्शन तो रखा होगा ना उसके लिए। समझ में आ रही मेरी बात ना? कहीं ना कहीं कुछ तो ऑप्शन रखा होगा उसने अपने लिए। तो वही बात है कि हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि हाँ पूरा पूरे तरह से सिक्योर है, लेकिन हाँ अगर जिम्मेदारी ली जा रही है, आप इसके लिए पे आउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात ये क्लियर है कि वो डाटा आपके लिए सिक्योर है। वो डाटा क्या है? आपके लिए सिक्योर है, डिलीट नहीं होंगी जब तक आपकी अथॉरिटीज नहीं होंगी, वो चीजें कहीं और हैंड ओवर नहीं की जाएंगी जब तक आपकी परमिशन नहीं। समझ में आ रही बात? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में एक लाइन लिख लीजिए, तो आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग इज रेफर टू, क्लाउड कंप्यूटिंग इज रेफर टू, क्लाउड कंप्यूटिंग इज रेफर टू, लिखिए क्लाउड की स्पेलिंग CLOUD होगा, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिफर, REFER, रिफर, REFER, रिफर टू एज लाइक ए नेटवर्क, एज लाइक ए नेटवर्क, एज लाइक ए नेटवर्क आर एक्सेस ओवर, आर एक्सेस ACCESED, एक्सेस हो गया, एक्सेस। हाँ अरे यार गजब है यार, दिखा दो प्रिंस को, दिखाओ अपने में, क्यों लिख नहीं रहे हो? हाँ पीछे एक लाइन बोले, इतना टाइम लगा, मैं कितनी बार टाइम चेक लेंगे, रिपीट कर रहा हूँ यार।
अब थप्पड़ जाएंगे दोनों को बता जाए, दोनों को देखी छापड़ मारेंगे, दिमाग सुन हो जाएगा अभी तमीज कहीं के। एक लाइन बोला होता अभी कितनी बार रिपीट कर चुका। मैंने कहा आपका लाइव कंप्यूटिंग इसे सब ला गया, तीनों उठो चलो उठो, तुम्हें उठो मैं नहीं कर, उठो तुम्हें वहां से आदर्श आ गया सेकंड डेस्क पे आइए, आप यही प्लीज चलो ऋषि निकलो वहां से। एक लाइन पे लिखने में मारेंगे जहां पर दिमाग सही हो जाएगा, चलो आ गया सब लोग ऑनलाइन क्लास के लिए मजाक बनाया। आओ आगे बैठो, तुम ये बगल में बैठो, तो हाँ बीच में चाहे साइड में जहां भी बैठाना बैठाइए। एक लाइन तो बोला हूँ अभी, क्लाउड कंप्यूटिंग तो समझ सब जगह पढ़ रहा है हम लोग, क्या बोला हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर टू ए लाइक एज ए लाइक, लिखिए दोबारा क्लाउड कंप्यूटिंग इज रेफर टू एज लाइक ए नेटवर्क, ए नेटवर्क आर एक्सेस आर ए आर ई आर एक्सेस ओवर द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट अब क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है लिख लीजिए, सर्विस प्रोवाइड क्या क्या सर्विस को इंस्टाग्राम लिख लीजिए, गूगल क्या लिख लीजिए, गूगल क्लाउड लिख लीजिए, गूगल क्लाउड कामा ए डब्ल्यू एस लिख लीजिए, ए डब्ल्यू एस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, अमेजन वेब सर्विस, यानी अमेजन वेब सर्विस भी जो चीजें होती हैं वो भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत में आती है अमेजन वेब डब्ल्यू ई बी वेब सर्विस, ए डब्ल्यू एस कैपिटल लेटर में लिख लीजिएगा और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अमेजन वेब सर्विस ए डब्ल्यू एस बोला हूँ, ए डब्ल्यू एस ठीक है, अमेजन वेब सर्विस हो गया, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, कामा कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए और एक आईबीएम क्लाउड हो गया, आईबीएम का आईबीएम क्लाउड हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं उसके साथ में, गूगल ड्राइव भी आ जाते हैं वो भी क्या होगा क्लाउड कंप्यूटर का ही एक एग्जांपल हो जाएगा ठीक है, गूगल ड्राइव। अब टाइप ऑफ क्लाउड लिख लीजिए, टाइप ऑफ क्लाउड, टाइप ऑफ क्लाउड लिखिए हो गया, पहला लिखिए टाइप ऑफ क्लाउड में पहला लिखिए पब्लिक, पब्लिक यानी कि समझ रहे हैं पब्लिक क्लाउड की बात हो रही है, पहला पब्लिक, अब पब्लिक में क्या क्या आ जाएगा पहले लिख लीजिए पब्लिक, अब पब्लिक में क्या क्या आ जाएगा पब्लिक कोई बताइए ऐसी चीज जो पब्लिक द्वारा हो, जो पब्लिक तो आपकी चीजें पब्लिकली रहे तो आप लोग जाने भी, तो क्या हो गया आपका जीमेल क्या हो गया, एक पब्लिक पब्लिक का एग्जाम्पल हो गया, किसका हो गया पब्लिक का जीमेल गूगल में, अरे भाई कई लोग यूज करते हैं ना पब्लिकली और रहता भी है, आप कहीं शेयर भी करते हैं, तो जीमेल हो गया आपका पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल हो गया, दूसरा लिखिए प्राइवेट, दूसरा लिखिए प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट में लिख सकते हैं आप लोग कि ये प्राइवेट किसके लिए होता है, अब नाम से नहीं पता चल रहा है, किसी निजीकरण के लिए, ऐसी कंपनी को जिसका निजीकरण हो जैसे कि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अपने स्वयं के लिए काम करते हुए, लिखिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक स्पेसिफिक सामने देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, सामने लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, तीसरा लिखिए हाइब्रिड, ये सब भी आप लोग जानते होंगे, हाइब्रिड का मतलब समझ रहे हैं ना क्या संकल्प, क्या बोले हाइब्रिड वो हाइब्रिड का मतलब दो चीज मिक्सअप होता है, चीजों का मिक्सअप होता है एक ही है, ऐसा एग्जाम लिख लीजिए इसका मतलब, हाइब्रिड का मतलब क्या जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्सअप हो, समझ रहे ना, लिख सकते हैं पब्लिक प्लस प्राइवेट या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, हाइब्रिड का लिख सकते हैं पब्लिक प्लस किसका प्राइवेट दोनों का, समझ आ रहे हैं मेरी बात, दोनों की बात है, और चौथा हो गया आपका कम्युनिटी, कम्युनिटी कब होते हैं जब कोई चीजें ग्रुप में हो, जब कोई चीजें कम्युनिटी का मतलब क्या होता है जब कोई चीजें ग्रुप में हो, क्या हो ग्रुप में लिख लीजिएगा, यानी ओवरऑल इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग भी इन शॉर्ट में स्टार बना के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट में वी स्टोर
वी स्टोर मैनेज एंड प्रोसेस डाटा ऑन रिमोट सर्वर। यानी कि इन शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा को स्टोर करना और रिमोट कंट्रोल के द्वारा उसको क्या करना, मैनेज करना और स्क्रीन पे रन करा देना, दिखा देना। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी, जब सर्वर होगा आपका, एक नेटवर्किंग कनेक्शन होगा तब, ठीक है। ओवरऑल में क्या कर सकते हैं, वी स्टोर मैनेज एंड प्रोसेस डाटा, तो किसके द्वारा, रिमोट सर्वर के द्वारा। किसके द्वारा, रिमोट सर्वर पासवर्ड डाला, अपने डाटा ओपन हो गया, एक रिमोट सर्वर से ही काम कर रहा है ना, कहीं और काम हो रहा है, काम हम यहाँ कर रहे हैं, डाटा कहीं और सेव हो रहा है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कोई और ले रहा है, प्राइवेसी, समझ रहे हैं मेरी बात, ये बात कह रही है। यानी एक और लाइन में कह सकते हैं, लाइन चेंज करके लिख लीजिएगा स्टार बना के ही, इट्स मीन स्टोरिंग एंड मैनेजिंग, सॉरी इट्स मी, हाँ इट मीन हो गया, इट मीन्स स्टोरिंग STORING, स्टोरिंग कामा लगा लीजिए, कामा कर लीजिएगा, मैनेजिंग हो गया, मैनेजिंग एंड एक्सेसिंग द डाटा एंड क्या, प्रोग्राम ऑन द रिमोट सर्वर। बात क्लियर है, हो गया। अब इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल के तहत क्या क्या हम पढ़ेंगे, पहले लिख लीजिए डिजी लॉकर, दूसरा लिख लीजिए गूगल ड्राइव, ठीक है, हाँ गूगल ड्राइव, हाँ अच्छा ये बताओ गूगल ड्राइव क्या है, आपका अपना पर्सनल है नहीं, आप ईमेल आईडी बनाते हैं, आपको 15 GB का स्टोरेज करते हैं, आप डाटा स्टोर भी कर रहे हैं, बात भी सकते हैं, लेकिन क्या वो डाटा आपके सिस्टम पर रहता है कहीं और है। जैसे मान लो हमारे वहाँ चार, मान लो हम 10 सिस्टम कर लीजिए, हमारे पास 10 इम्प्लाई थे, सडनली बीच में 5 इम्प्लाई छोड़ के चले गए काम, और 5 ही काम चल रहा है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स्ट्रा बच गया, कोई मतलब नहीं रहा वो सब चीजें, समझ रहे हैं मेरी बात, हम उसको वेस्ट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है बाद में उतना ही आ जाए, कवर अप हो जाए भी जो भी, लेकिन वो तो एक टाइप का वो हो गया ना कि खाली जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, समझ आ रही मेरी बात। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियां क्या करती हैं, इसके लिए भी लोग एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि लोग किसी के ना किसी हर कंपनी से टाई अप कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपकी डाटा की रखने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, डाटा आप मेरे पास स्टोर करिए, हम उसका रेंट लेंगे, या फिर जो भी है उस डाटा को सिक्योर रखने के काम करेंगे, मतलब आपका उसमें मैनेजमेंट वो नहीं रहेगा, समझ रहे हैं, मतलब आपका टेंशन नहीं रहेगा कि डाटा सही है कि नहीं, आप करिए वहां सेव होते जाएंगे, समझ आ रही मेरी बात। यानी जिम्मेदारी किसी और थर्ड पर्सन को दे देना, यही बात होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। काम हम कहीं और करें, हमारा डाटा स्टोरेज कहीं और हो, मान लो हमारे सिस्टम पे काम नहीं हो पा रहा है, जैसे आपने देखा होगा एनी डेस्क का मदद देखा होगा, आप तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को एक्सेस करते हैं, या मतलब कि डाटा आप स्टोरेज करना है, मान लो आपका सिस्टम वीक है, नहीं कर पा रहा है काम, तो इसका एक्सेस किसी और सिस्टम से कर गया, उसका सिस्टम स्ट्रांग है, इसके भी आप काम किया और वही डाटा सेव कर दिया, अपने सिस्टम पे नहीं लाया, तो ये सारी चीजें होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ही होती है सारी चीजें, इसके तहत आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कल से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज्यादा दिन का टॉपिक नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग, मजेदार है, एक दो टॉपिक है उसके बारे में बताना है, आप पहले भी पढ़े हो दोबारा भी पढ़ा देंगे, इंटरनेट में डिजी लॉकर पढ़ाया गया है और इंटरनेट में आपको ईमेल सीक्रेट पढ़ाया गया था, तो उसके बारे में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम कवर कर लेंगे, दो प्रैक्टिकल होंगे, और भी कुछ अगर चीजें नहीं होंगी तो मैं जरूर इंक्लूड करूंगा आपके लिए, ठीक है। बेसिकली कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ गई कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक रिमोट सर्वर है, क्या है, जिसे क्या हम कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस का मतलब चलाना होता है, क्या होता है, किसी चीज को एक्सेस करना मतलब चलाना है।
जैसे रिमोट से एक्सेस करके हम प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं वही टाइम सेविंग बात है। डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, जैसे जब नहीं करता है डाटा जो डिलीट हो गया है क्या उसको रिकवर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो हाँ जो भी ओपिनियन देते हैं। तो ये सारे होते हैं टाइप, मैंने लिखवाई दिया आपको, और देखिए क्या लिखा हुआ है गूगल पे थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग वाले में। तो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स। ऑन डिमांड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये आपकी मांग की चीज बने की गई, क्योंकि सबके पास इतनी सफिशियंट चीजें नहीं होती है कि वो उतना पैसा करके कोई चीजें ले सके। मान लो जैसे कि हम मशीन ही कोई खरीदे, 4 लाख का मशीन है, हर कोई खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा, तो हम रेंट पे दे देंगे, आप 100-200 में काम चला ले रहे हो, आपको जेरी का वर्क तो है नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था कि जैसे काजू की बर्फी बनती है, तो काजू जो की पिसाई होती है उसकी एक मशीन आती है, तो आप जाते हो सारी वर्क करता था, आप खुद जाके जाके पिसवाते हो, पैसा देते हो जो भी 20-25 kg के हिसाब से जो चलता चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग गया कि जरूरत बार बार आती है तो आप खरीदोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं कभी कभी जरूरत है तो आप क्या कहोगे कि हम रेंट दे के ही काम चलाते हैं, ये नहीं कहोगे। अब जैसे घर पर जाते हो पड़े तो हर जगह घर नहीं बनवाने लगते हो, हाँ वहां जानते हो कि तुम्हारा 2000 रुपये महीना का हम भाड़ा दे सकते हैं, 4 साल वाला रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना काम कर लेते हो। अब वो ये नहीं है जहाँ भी जाएंगे वो ये घर बना, जमीन खरीद लेंगे, घर बना लेंगे, तो पढ़ेंगे नहीं, हो पाता पहुंचो नहीं है, तो वही सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का समझ में आ गया सबको, तो जो चीजें मैंने लिखवाया है दिमाग में घर से पढ़ के आइए, याद करके आइएगा, पूछा जाएगा, फिर आगे से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत प्लीज, वाइस चला रहे हैं क्या, पढ़ रहे थे, ठीक है, हाँ। स्पेशली डाटा स्टोरेज के लिए, किसके लिए किया जाता है, डाटा स्टोरेज के लिए एंड कंप्यूटिंग पावर के लिए। कंप्यूटिंग करना मतलब होता है वही चीजों को गणना करना कंप्यूटर का, इसलिए किया गया। विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, कोई वो नहीं होता, समझ रहे ना भाई, हम जुड़े डायरेक्ट का मतलब जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अटैच हो। कह रहा है कि लार्ज क्लाउड ऑफ्टन जैसे आपको भी दे दिया मैंने, और संस्थाओं जितनी भी पटना में और भी संस्थाएं जो है कंप्यूटर क्लास के सबको मैंने कह दिया कि आप मेरे वहां डाटा स्टोर करिए, मैं इतना रेंट लूंगा, आराम से डाटा स्टोर करिए, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो सबका मैं ले रहा हूँ, तो एक मैं क्या हूँ, एक सेंटर ही तो हूँ जो सबको जोड़ रहा हूँ, यही बात उसमें कहा गया, समझा गई, यही उसमें कहा गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझा गया सबको, समझ आ गया सबको, यही कि मतलब हम रहे और कहीं काम कहीं होता करें, डाटा स्टोरेज कहीं और रह रही, यही सारी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आज की क्लास में मुझे यही बताना था, आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आई हो, कल से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, और फिर से आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब्सेंट बिल्कुल मत हुआ करें, क्यों नहीं आए आए यार, सोया रह गया, हाँ ये रीजन है बताइए आप, मैं यही रीजन दूंगा ऑफिस में जाके कि बच्चा पढ़ने नहीं आया क्योंकि सोया रह गया। गार्जियन क्या करते हैं भाई, हमारे गार्जियन अभी 6 बजे उठने पे उसमें डांट करना पड़ता है, इतना पहले उठना, रात में कुछ और काम कर रहा है क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए तब अगर ऐसी बात है जी, तो भी क्या मतलब है जल्दी सो जाते नहीं, तो आप गार्जियन है ना, आप अभी तो बड़ी है उनसे,